हो गया अच्छा मैं तो वेट कर रहा था गुड <coughs> मॉर्निंग तो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट right का पार्ट और फंडामेंटल राइट right के पार्ट में हमने देखना स्टार्ट किया कि आखिर ये राइट right का कंसेप्ट क्या है अधिकार की धारणा क्या है कहां से आई है तो हमने कहा था कि राइट right के दो तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है एक तो उसका जो यूनिवर्सल डिफिनेशन है कि राइट्स आर दो सोशल कंडीशन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि अधिकार वे अनिवार्य दशाएं हैं सामाजिक दशाएँ हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी हैं तो जो भी दशाएं हमें चाहिए जैसे स्वतंत्रता समानता शोषण से मुक्ति भोजन काम का अधिकार शिक्षा ये सब जो हैं ये सामाजिक दशाएँ हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या हैं जरूरी होती हैं और इसीलिए इनको अधिकारों की धारणा में माना जाता है लेकिन दूसरी बात यहीं पर अधिकारों की एक और परिभाषा है जो यह कहती है कि अधिकार व्यक्तिगत दावे और ऐसे व्यक्तिगत दावे होते हैं जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता मिलती है और राज्य के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है तो राइट्स जो हैं इंडिविजुअल क्लेम के रूप में भी डिफाइन किए जाते हैं इसलिए मोनार्की में अधिकारों की धारणा देखने को नहीं मिलती है राजतंत्र में वहां राजा वह अधिकारों की धारणा पर बल नहीं देता है बल्कि प्रजा से कर्तव्यों के पालन की ड्यूटी को जो है वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है राइट का जो कंसेप्ट है वह मॉडर्न डेमोक्रेसी का एक फीचर है आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता है हमने कहा अधिकारों की धारणा का क्रमिक विकास देखा गया शुरुआती दौर में बारह में मैग्ना कार्टा चार्टर के जरिए किंग जॉन ने ब्रिटेन में जो डेलीगेट्स उनसे मिलने आए थे उनकी बातों को उन्होंने सुना था और जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था क्योंकि एक तरीके का वह डेलीगेट्स जब राजा जॉन से मिला और उनसे कहा कि हमें ये ये दशाएं चाहिए तो एक तरीके का वो इंडिविजुअल क्लेम हुआ लेकिन वो अधिकार जो जनता के द्वारा मांगे गए थे वो पूरी तरीके से राजा के ऊपर निर्भर कर रहे थे कि वह उसे दें या न दें वो राजा की डिस्क्रिशन पर आधारित थे तो उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी और राइट का कंसेप्ट भी नहीं था आगे चलकर जब ब्रिटेन में पहली बार डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है 1689 में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से पहली बार अधिकारों की धारणा आती है लेकिन ये भी पूरी तरीके से रिटर्न डॉक्यूमेंट के रूप में या विशद जो है दस्तावेज के रूप में नहीं देखी जाती है सबसे बेहतर जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर अधिकारों का हुआ सेवनटीन में फ्रांस के डिक्लरेशन में जो मेन और सिटीजन्स के लिए वहाँ पर अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया वहाँ पर दिखाई दिया कि यहाँ पहली बार अधिकार

अलग अलग स्वरूपों में आई पहले शुरुआत में नागरिक राजनीतिक अधिकार दिए गए यानी राज्य के विरुद्ध संरक्षण दिया गया और यह माना गया कि कुछ ऐसी दशाएं हैं जहां राज्य का हस्तक्षेप लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए तो इन अधिकारों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आने जाने की स्वतंत्रता सभा सम्मेलन विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता यानी एक राज्य के नागरिक होने के नाते जो हमें अधिकार चाहिए और इसी तरीके से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार दिया गया चुनाव में खड़े होने का मत देने का अधिकार जो राजनीतिक अधिकार के रूप में देखा गया यह शुरुआती दौर में था लेकिन यह जो अधिकारों की धारणा थी वह केवल राज्य से सुरक्षा की मांग नहीं कर रही थी बल्कि समाज से भी सुरक्षा की मांग कर रही थी क्योंकि केवल राज्य ही हमारे ऊपर बंदी से नहीं लगाता है समाज भी हमारे ऊपर बंदी से लगाता है हमारे व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करता है प्रभावित करता है इसीलिए सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाने वाले अधिकारों की जरूरत देखी गई और आगे चलकर सामाजिक आर्थिक अधिकार वहां पर दिए गए जैसे समानता का अधिकार शोषण से मुक्ति का अधिकार असमानता की आ, आ, समाप्ति का अधिकार ये सारी चीज़ें वहां पर दी जाने लगी भोजन का अधिकार शिक्षा का अधिकार काम का अधिकार स्वास्थ्य का अधिकार तमाम चीज़ें ये देखी गई सामाजिक आर्थिक अधिक अधिकारों के रूप में आगे चलकर बीसवीं सदी में यह महसूस किया गया कि एक राज्य में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं और हर एक समुदाय की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं अलग हैं और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप ही उन्हें अलग तरीके की सामाजिक दशाओं की ज़रूरत होती है और इसीलिए यह माना गया कि ग्रुप्स राइट यानी अलग अलग समूहों के अधिकार को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा उनके कल्चरल जो यूनिकनेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना होगा उन्हें हमें वहाँ पर राइट देना होगा तो यहाँ से कल्चरल राइट का कंसेप्ट आता है ग्रुप राइट का कंसेप्ट आता है और ये आज के मल्टी कल्चरल वर्ल्ड में मल्टी कल्चरल सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कल्चरल राइट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड करें तो हमने जैसा कहा कि राइट right का इवोल्यूशन अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हुआ जो वर्ल्ड वाइड राइट का कंसेप्ट पॉपुलराइज किया गया वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू किया गया टेन दिसंबर नाइनटीन को यूनिवर्सल डिग्रेशन ऑन ह्यूमन राइट ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा वहाँ पर जारी किया गया जब मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा तब यह आरोप लगते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका और यूरोपीय देशों का हस्तक्षेप ज़्यादा है यूएस और यूरोपियन जो कंट्री हैं उनकी जो डेमोक्रेसी का मॉडल है वो लिबरल डेमोक्रेसी ज़्यादा है लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कि जो कम्युनिस्ट कंट्री या सोशलिस्ट कंट्री हैं उनका फोकस हमेशा सोशियो इकोनॉमिक राइट पर रहता है यानी इक्वेलिटी पर रहता है तो एक बड़ा बेसिक डिफरेंस लिबरल जो डेमोक्रेसी हैं वेस्टर्न और जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी हैं वह ईस्टर्न और अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो हैं इनमें एक बेसिक डिफरेंस पाया जाता है तो जो नाइनटीन में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया तो सोशलिस्ट कंट्री ने इसको यूनिवर्सल मानने से इनकार कर दिया उनका मानना था कि यूनिवर्सल कैसे हो सकता है ह्यूमन राइट इसमें तो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री के ही जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके द्वारा ये राइट का ड्राफ्ट बनाया गया है और इसमें मैक्सिमम जो राइट है वो सिविल पॉलिटिकल राइट है इसमें सोशियो इकोनॉमिक राइट के बारे में तो कोई बात ही नहीं की गई है और इस वजह से उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया खासकर रशिया चाइना जैसे कंट्री ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये जो है एक लिबरल जो राइट है सिविल पॉलिटिकल राइट है उनको स्टेब्लिस करने पूरी दुनिया में स्टेब्लिश करने का एक तरीका यहां पर एक प्रोपोगेंडा यहां पर अमेरिका अपना रहा है सोशलिस्ट कंट्री ही केवल यहां पर यूनिवर्सल डिग्रेशन का अपोज नहीं कर रही थी बल्कि बहुत से अदर कंट्री भी इसका विरोध कर रही थी जैसे इस्लामिक कंट्री में खासकर सऊदी अरब वह ह्यूमन right के एक प्रोविजन का विरोध कर रही थी जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन को जो है वो वहाँ पर फ्रीडम दिया गया था यानी आप अपने धर्म को बदल सकते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वहां पर दिया गया था रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया था कि ये ह्यूमन राइट right के रूप में होना चाहिए सऊदी अरब का कहना था कि ये राइट right जो है वह हमारे कंट्रीज में नहीं वहाँ पर वह एक्सेप्ट की जा सकती हैं हमारा जो कानून है वह शरिया के कानून पर आधारित है या हमारा जो कानून है या जो हमारी सोसाइटी है इस्लामिक सोसाइटी वो अलग नेचर की है और ये यूनिवर्सल रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते इसी तरीके से साउथ अफ्रीका ने भी विरोध किया क्योंकि उस दौरान साउथ अफ्रीका में रेसिज्म होता था और माना जाता था यानी वाइट सुप्रीमेसी का कंसेप्ट वहां पर चलता था ब्लैक्स जो हैं वह deprived थे वंडर प्रिविलेज्ड वहां पर थे लेकिन रेसिज्म को खत्म करने की बात ह्यूमन राइट right के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कही गई थी और साउथ अफ्रीका का कहना था कि यह हमारे नेशन यह हमारी कंट्री पर डिपेंड करता है कि हम वहां रेसिज्म को खत्म करें या नहीं आप इस तरीके के मॉडल को प्रमोट मत कीजिए तो 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आया तो बड़े डिबेट वहां पर हुए अदर कंट्रीज ने कहा कि कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उसको यह यूनिवर्सल राइट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है हर सबको एक ही जैसा मान रहा है और इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जब विरोध ज्यादा हुए तो नाइनटीन में यूनाइटेड नेशन ने एक डिसीजन लिया और कहा कि अब जो है राइट right को हम दो भाग में दो कॉन्वेंट में हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो 1968 में 66 में सिविल पॉलिटिकल राइट कॉन्वेंट जो है वहाँ पर यानी नागरिक राजनीतिक अधिकारों की आ, संविदा जो है प्रपत्र जो है वो लाया गया और इसी तरीके से उसी साल सोशियो इकोनॉमिक राइट का कॉन्वेंट लाया गया यानी सामाजिक आर्थिक अधिकारों का जो प्रसंविदा था या पत्र था वो लाया गया तो दो भागों में उसको डिवाइड किया गया तो ये डिबेट थोड़ा सा वह नॉर्मल वहां पर देखा गया हमने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने जब ह्यूमन राइट right का जो डिक्लेरेशन था उसको उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो उसमें इंडिया का भी रोल बहुत ज़्यादा था इंडिया ने कई इंपॉर्टेंट सजेशन भी वहां पर यूनाइटेड नेशन को दिए थे तो बहुत सा नेचुरल ही है कि इंडिया उसी वक्त अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम कर रहा था तो इस ह्यूमन राइट right के जो डिक्लेरेशन थे इनका इम्पैक्ट वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा गया हमने ये देखा कि हमने अपने यहां पर राइट को दो पार्ट में डिवाइड किया एक जो इनफोर्सेबल राइट है जो गारंटेड राइट है यानी कि अगर वो राइट आपके इनक्रोच होते हैं या आपसे छीने जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप कोर्ट के या जुडिशरी का आप अप्रोच कर सकते हैं और वो रिज्यूम आपके राइट कराए जाएंगे उन अधिकारों की बहाली की जाएगी और दूसरे राइट वो हैं जो नॉन इन्फोर्सेबल हैं यानी कि अगर वो अधिकार जो हैं आपके पूरे नहीं हो रहे हैं या उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो भी आप जुडिशरी में नहीं जा सकते हैं वो स्टेट के विल पर है स्टेट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वह आपको राइट right प्रोवाइड करें या ना करें हमने कहा कि ये दोनों राइट को अगर हम देखें तो पार्ट थ्री का जो फंडामेंटल राइट right है वो इन्फोर्सेबल राइट प्रवर्तनीय अधिकार है

जो फंडामेंटल राइट right है वह निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की बात करता है राज्य के नकारात्मक दायित्व को लेकर आता है डी वह पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की बात करता है यानी सकारात्मक दायित्व की बात करता है यानी जो फंडामेंटल राइट right है वो निगेटिव ऑब्लिगेशन इसलिए है क्योंकि वो स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स को मिले हुए हैं और स्टेट की पावर पर अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं लेकिन डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेट को इनेबल करते हैं कि आप लोगों के लिए ये ये कर सकते हैं आपको ये ये करना चाहिए इसलिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के रूप में दिखाई देते हैं हमने कहा कि जो फंडामेंटल राइट right है वो इंडिविजुअल राइट right के रूप में है क्योंकि जो एड्रेस किया गया है फंडामेंटल राइट right को वह सिटीजन या इंडिविजुअल को कंसीडर करके वहां पर एड्रेस किया गया है लग जबकि डीपीएसपी में आप देखेंगे तो वह ग्रुप्स राइट के रूप में दिखाई देते हैं फॉर शेड्यूल कास्ट फॉर शेड्यूल ट्राइब वेमेन चिल्ड्रेन ओल्ड एज पर्सन डिसेबल्ड इनके लिए वहां पर किया गया यानी कम्युनिटी के लिए ग्रुप के लिए वहां पर बोला गया तो ये बेसिक डिफरेंसेस फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में देखे जाते हैं और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं तो उसके लिए आपको मेंटली क्या है प्रिपेयर्ड रहना है हमने यहां से स्टार्ट किया और हमने कहा अब पहले हम लोग एक बार वह फंडामेंटल राइट के जो बेसिक फीचर हैं उनको समझें उसके पहले इसके नेचर को समझ लेते हैं यानी पार्ट थ्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके नेचर को समझ लेते हैं और इसमें दो चीजें हमारे लिए बहुत समझना जरूरी था हमने कहा पहले तो आपको मालूम है कि फंडामेंटल राइट right जो है वो स्टेट के अगेंस्ट लोगों को मिले राज्य के विरुद्ध मिले इसलिए ये डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज स्टेट और हमने हमने जब स्टेट स्टेट को डिफाइन किया तो हमने कहा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट इंक्लूड है स्टेट गवर्नमेंट और उनका स्टेट लेजिस्लेचर वहां पर इंक्लूड है लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी वहां पर इंक्लूडेड है जब हमने कहा कि लोकल अथॉरिटी तो आप समझ जाते हैं कि यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रूरल लेवल पर पंचायतें नगर पालिकाएं ये सब लोकल अथॉरिटी में आएंगी अदर अथॉरिटी का मतलब है जो पब्लिक जो है फंक्शन करती है पब्लिक फंक्शन का मतलब क्या है जो स्टेट के रोल को प्ले करती है यानी राज्य के रूप में वह अपनी भूमिका का निर्वहन करती है राज्य के रूप में कौन अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो जिन्हें स्टेट के द्वारा इंपावर किया गया है यानी स्टेट ने जिस इंस्टीट्यूशंस को खड़ा किया है जिन इंस्टीट्यूशंस को पावर दिया है जिन अथॉरिटी को रूल बनाने के लिए स्टेट ने अथोराइज किया है और जो स्टेट का रोल या पब्लिक नेचर का रोल करते हैं वो वहां पर स्टेट की डिफिनेशन में आते हैं इसलिए ये ध्यान रखना होगा जिनका भी रोल प्राइवेट नेचर का होगा या जो प्राइवेट जो हैं वह इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करते हैं वो स्टेट की डिफिनीशन में नहीं आते कल किसी ने पूछा कि क्या एनजीओ जो है वो स्टेट की डिफिनीशन में आएगा या नहीं आएगा तो यहां पर यह ध्यान ध्यान देना आपको जरूरी है कि एनजीओ या इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरीके से खुद वो इस्टेब्लिस किए गए हैं गवर्नमेंट ने उनको इस्टेब्लिस नहीं किया है खुद वहाँ पर इस्टेब्लिस किए गए हैं किसी न किसी एक्ट के जरिए वो जो है रजिस्टर्ड होते हैं और ख़ुद उनका काम वो पब्लिक रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन वो स्टेट का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं इसीलिए कई बार ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या बीसीसीआई क्या ये स्टेट की डिफिनेशन में आता है तो बोला गया कि नहीं ये स्टेट की डिफिनेशन में नहीं आता क्योंकि इसे स्टेट ने नहीं यहां पर जो है स्टेब्लिश किया था या स्टेट ने इसको एम्पावर्ड नहीं किया था या स्टेट के रूप में ये रोल प्ले नहीं करता है तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाता है अब हमने कहा कि अगला जो हमारा आर्टिकल है जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और यहीं से फिर हम फंडामेंटल राइट को सही मायने में समझ पाएंगे वो है आर्टिकल थर्टीन आर्टिकल थर्टीन क्यों पढ़ना है पहले ये एक बार समझ लीजिएगा असल में जब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो राज्य के ऊपर स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि राज्य को ये करना है ये नहीं करना है तो सवाल यह है कि अगर स्टेट ऐसा कुछ करता है जो फंडामेंटल राइट सिटीजन को दिए गए हैं उनके अगेंस्ट है यानी अगर स्टेट का कोई एक्शन फंडामेंटल राइट को मिनिमाइज करता है एलिमिनेट करता है खत्म करने की कोशिश करता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन करता है इसी चीज को एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का जो हेडिंग है अगर आप देखेंगे तो कहता है कि लॉ इनकसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी जो ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट right से असंगत हैं, यानी उसके विपरीत हैं मूल अधिकार कुछ कहता है कहता है समानता का अधिकार और ऐसा कानून बनाया गया जो समानता के विरुद्ध हो वह असमानता बढ़ाने वाला हो तो आर्टिकल 13 कहता है कि इसको हम खत्म कर देंगे या जो फंडामेंटल राइट right को डेरोगेशन या उनको कम करने वाले होंगे तो उनके लिए यहां पर आर्टिकल थर्टीन में प्रोविजन किया गया है एक बार आर्टिकल 13 के जो सब क्लॉज हैं उनको एक बार समझ लेते हैं आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी अगर हम आर्टिकल 13 का क्लॉज देख रहे हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल ऑल लॉज लॉज इन 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 फोर्स फोर्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सोफो एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट सेल to the extent of such inconsistency be void to the extent of such inconsistency be void यहां दो तीन चीजें बहुत आपके लिए समझनी है आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमिनसमेंट के पहले यानी संविधान लागू होने के पहले जितने भी कानून वह इस देश में लागू थे 1950 में हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ और आजादी तो पंद्रह अगस्त उन्नीस को ही मिल गई थी तो 26 जनवरी 1950 के पहले के हमारे यहाँ कानून नहीं थे 1950 के हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ कानून वगैरह थे और कानून कौन थे वो ब्रिटिश रूल से जो चला आ रहा था तो यहाँ पर यह बोला गया कि वो जितने भी कानून उस वक्त प्रभावी थे इनफोर्स थे अगर वे वह फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल uh, को जो है किसी भी प्रोविजन को अगर उससे इनकंसिस्टेंसी यानी असंगति वो दिखा रहे हैं तो वोड होंगे यानी कि वो यहां पर अवैध माने जाएंगे तो पहला क्लॉज कहता है कि संविधान पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हो उन्हें अवैध घोषित कर दिया जाएगा अब आइए थर्टीन का क्लॉज टू देखते हैं थर्टीन का क्लॉज टू कहता है द स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे एब्रिजेस द राइट पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज सेल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वोड तो यहां पर यह बोला गया है कि संविधान यहां पर कमेंसमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला गया है. ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस करता है स्टेट को यानी संविधान के बाद जो राज्य है तो यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद के लिए यह बात करता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत या विरोध में हो और अगर कोई ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसके विरोध में है तो जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उस सीमा तक वह अवैध घोषित किया जाएगा यानी अब यह आपको समझना है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है चाहे वह पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वहां पर लोकल और अदर अथॉरिटी हो कोई ऐसा कानून कोई नहीं बना सकता है जो मूल अधिकारों को खत्म करता हो अब यहीं से एक और कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि यह लॉ का डिफीनिशन क्या है अमूमन आपसे पूछा जाए कि कानून कौन बनाता है तो आप बोलेंगे लेजिस्लेचर कानून बनाता है यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है यह एक सामान्य नियम है और यही सही भी है लेकिन फंडामेंटल राइट right के पार्ट में लॉ को डिफाइन किया गया है यानी कानून की परिभाषा दी गई है कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट डज मीन बाय लॉ लॉ का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के तहत जो है वह लॉ का डिफिनेशन क्या है

आदेश आदेश कौन जारी करता है तो कार्यपालिका आदेश जारी करती है प्रधानमंत्री उनके अलग अलग मंत्री मुख्यमंत्री या और जो अदर मंत्री ये ऑर्डर यहां पर पास कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकता है जुडिशरी कर सकती है तो यहां पर अध्यादेश आदेश बाइला उप विधि यानी कोई एक जो हमारा मेन लॉ बनाया गया है उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार बाई लॉ बनाए जाते हैं तो केवल मुख्य जो मूल कानून है वही कानून नहीं है कानून की परिभाषा में उप विधि भी यानी उप कानून बाई लॉ भी शामिल होते हैं रूल बनाए जाते हैं हर एक संस्था अपने लिए रूल बनाती है कोई भी अथॉरिटी है कल को आप डीएम बनेंगे तो आप भी स्टेट की डिफिनेशन में आएंगे क्योंकि आप भी अपने लोगों के लिए आप रूल बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो कानून है उसमें नियम भी शामिल हैं और रेगुलेशन भी एस या इरडा या यहाँ पर जो है से ये सब आप रेगुलेटरी बॉडी सुनते हैं ये सब रेगुलेटरी बॉडी क्या करते हैं रेगुलेशन बनाते हैं नोटिफिकेशन आप सुनते हैं कई बार कि प्रेसिडेंट जो है वह नोटिफिकेशन इशू करते हैं तो यहां पर नोटिफिकेशन जो है वो भी क्या है इसकी डिफिनेशन में शामिल है जो भी कस्टम और असज हैं जो प्रथाएं और रूढ़ियां पहले से चली आ रही हैं अगर सरकार के द्वारा उसका पालन किया जाता है राज्य के द्वारा उसका पालन किया जाता है तो वो भी कानून की परिभाषा में शामिल है तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए कि कानून की परिभाषा में क्या क्या यानी विधि की परिभाषा में क्या शामिल है तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश ऑर्डर आदेश बाई लॉ उपिधि रूल नियम रेगुलेशन विनियम नोटिफिकेशन अधिसूचना कस्टम और असेज प्रथा या रूढ़िया ये सब कानून की परिभाषा में शामिल होती हैं क्लियर है क्योंकि आर्टिकल 13 के क्लॉज वन में बोला गया था शब्द लॉ लौ, लॉज इन फोर्स यानी प्रवृत्त विधियां संविधान के लागू होने के पहले जो कानून हुआ करते थे उनको कहा जाता था लॉज इन फोर्स जो उस वक्त फोर्स में थे तो वह विधि प्रवृत्त विधियां वहां पर विधियां होती थी तो आर्टिकल थर्टीन जो है क्लास थ्री में यह सारी चीजें कही गई अब एक अंतिम चीज जो आर्टिकल थर्टीन में बोला गया है आर्टिकल थर्टीन क्लास फोर में और वो क्या बोला गया है कहा गया है कि लॉ जो है उसकी डिफिनेशन में क्या क्या शामिल है उसकी डिफिनेशन में शामिल है कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है वो तो है ही इसके अलावा ऑर्डिनेंस इसके अलावा ऑर्डर बाई लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम असेज ये सारी चीजें लॉ की डिफिनेशन में है अब एक सवाल एक डिबेट भी बीच भी में उठा था उसको हम आगे देखेंगे लेकिन यहां पर मेंशन करना जरूरी है डिबेट ये उठा कि पार्लियामेंट के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं और अगर पार्लियामेंट कोई बिल लाकर अमेंडमेंट करती है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डिफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डिफिनेशन में आएगा तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट के पार्ट में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो वह फंडामेंटल राइट को एक तरीके से कम करना या उसके विरोध में माना जाएगा और ऐसी स्थिति में फंडामेंटल राइट right में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है। अगर आप सोचिए कि संविधान संशोधन भी एक कानून है और कानून के द्वारा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान संशोधन भी क्या होगा कानून होगा इसी चीज को क्लियरिटी देने के लिए आर्टिकल जो थर्टीन का क्लास फोर यह एड किया गया और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लॉ होते हैं वो लॉ की डिफिनीशन में नहीं आते है. यानी इस चैप्टर के लिए ये क्लियर कर दिया गया है कि संविधान संशोधन कानून की परिभाषा में नहीं है और इसलिए संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है कम किया जा सकता है कुछ भी किया जा सकता है संविधान संशोधन के जरिए लेकिन यहां पर संविधान संशोधन को विधि की परिभाषा में नहीं रखा जाता है क्लियर है इसीलिए यहां पर बोला गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 यानी 368 का जो अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन का प्रावधान कहता है तो ये आर्टिकल 13 कहता है कि इस पार्ट के लिए आर्टिकल 368 जो है वह अप्लाई यहां पर लॉ की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा यानी इसको जो है उसके तहत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसका एक सिंपल जो आपको यहां पर समझना है तो यह आपके लिए मालूम होना चाहिए तो कुल मिलाकर अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आइए इस पर देखते हैं अभी हम जो नोट्स है, जो है वो शायद जो है इसके आगे का नहीं मिला होगा तो आज जो है अभी क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में और इंग्लिश में जो नोट्स है उसमें कंप्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर की गई हैं और जो आ, हिंदी मीडियम के नोट्स हैं उसमें प्रम्स और मेंस दोनों चीजें वो वहाँ पर इंक्लूड की गई और वही इंग्लिस मीडियम में है हिंदी मीडियम के लिए जो है प्रलिम्स का एक अलग नोट्स भी है वो भी हम दे देंगे वो जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें ऑलरेडी प्रलिम्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में फिर भी क्लियरिटी के लिए कुछ लोग और डिमांड कर रहे थे तो उसको भी दे देंगे तो आपको पढ़ने के लिए एक सुविधा हो जाएगी कि प्रिलिम्स का एक सेपरेट नोट्स और जो प्री कम मेंस का नोट है वो तो है ही है तो आर्टिकल 13 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं और आर्टिकल 13 में हमने यहां पर जो बात की है अभी तक वो हमने क्या बोला है तो हमने कहा कि आर्टिकल थर्टीन में जो है ये बोला गया है कि जो लॉ इनकंसिस्टेंट हैं उनके बारे में यहां पर बोला गया है यानी यहां पर हमने क्या पढ़ा हुआ था इसका पहले शुरुआत में ही तो देखेंगे तो यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा कि ये जो है आर्टिकल थर्टीन देखिए ये क्या बोल रहा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ठीक है तो यहां पर मूल अधिकारों से मूल अधिकारों से असंगत विधियां या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां तो ये यह यहां पर है इसमें सारी चीजें आप समझ चुके हैं तो इसलिए इसको यहां पर हम आर्टिकल थर्टीन अगर वन आप पढ़ते हैं तो ये किससे रिलेटेड हैं तो ये डील्स विथ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यहां पर तो संविधान पूर्व जो विधियां हैं उनके बारे में यह बात किया गया है और आर्टिकल थर्टीन टू जो है हमने कहा कि वो जो है वह संविधान लागू होने के बाद की जो विधियां हैं उनके बारे में है यानी डील्स विथ पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज संविधान लागू होने के बाद की विधियां आर्टिकल थर्टीन थ्री जो यहां पर है इसमें हमने कहा कि ये डिफाइंस लॉ यह किसको डिफाइन करता है विधि की परिभाषा देता है विधि की परिभाषा में क्या क्या शामिल है एक तो जो परमानेंट लॉ होते हैं परमानेंट लॉ यानी विधा जो अस्थाई कानून होते हैं अस्थाई कानून कौन बना रहा है पार्लियामेंट हो गया स्टेट लेजिस्लेचर हो गया इसी तरीके से यहां पर जो है ऑर्डिनेंस हो गया यानी अध्यादेश हो गए ऑर्डर हो गया ऑर्डर के साथ साथ बाय लॉ हो गया इनके साथ साथ रूल रेगुलेशन रूल रेगुलेशन के साथ साथ यहां पर नोटिफिकेशन ये याद रहना चाहिए आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ यहां पर जो कस्टम है और असज ये सारी चीजें यहां पे आ जाती हैं तो लॉ की डिफिनेशन में क्या क्या चीजें आती और आर्टिकल थर्टीन फोर किससे रिलेटेड है तो यहां पर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेंडमेंट इज नॉट अ लॉ कानून की परिभाषा में शामिल नहीं है तो आर्टिकल थर्टीन वन थर्टीन टू थर्टीन थ्री थर्टीन फोर क्या है पहले यह यहां पर आपको समझना चाहिए था लेकिन अब इसी से रिलेटेड कुछ यहां पर जुडिशियल वर्डिक्ट उनको भी आपको समझना होगा

एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिखा नहीं गया है लेकिन ये inherent इसका meaning है कि ये काम किसका होगा जुडिशरी का जो constitution का interpretation करती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी कानून के द्वारा को सीमित करने की की कोशिश जा रही है, तो के द्वारा उसको घोषित किया जा सकता है अब सवाल यह है कि यहां पर जुडिशरी का काफी बार सुना होगा जुडिशियल रिव्यू एक टर्म है जिसे हिंदी में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन दोनों में से कुछ भी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं तो ये जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू पावर है आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू टर्म नहीं पाएंगे लेकिन जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट पावर एक जुडिस्ट्रिक्शन इसेंशियल फीचर है उसका और इसका जो बेस है वो आप आर्टिकल क्लास टू में देख सकते हैं जिसमें बोला गया है कि अगर स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स right को खत्म करता हो इन कंसिस्टेंट हो उसके कंट्रोवेंशन में हो तो उसे नलयन वर्ड घोषित किया जा सकता है यही राइट right जो है जुडिशियल रिव्यू कहलाता है यानी जुडिशरी की वो पावर जिस लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऐसे कार्यों पर रोक लगाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं यानी जुडिशियल रिव्यू को अगर डिफाइन करना हो तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी व लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो भी फंक्शन है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करती है यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच की वो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसी को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं तो कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि आर्टिकल थर्टीन जो है वह एक ग्राउंड है जुडिशियल रिव्यू का यानी न्यायिक समीक्षा का एक आधार यहां पर होता है न्यायपालिका ने इसीलिए समय समय पर अगर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन ऑर्डर जो भी समय समय पर इशू किए गए और अगर उसके जरिए फंडामेंटल राइट को अगर इम्पैक्ट हुआ निगेटिवली वहां पर प्रभावित किया गया तो जुडिशरी ने उसका रिव्यू किया और रिव्यू करके ऐसे कानूनों को अवैध घोषित किया जुडिशरी ने इस आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ अपने प्रिंसिपल भी डिजाइन किए हैं कुछ सिद्धांतों को भी दिया है और ये प्रिंसिपल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनमें पहला जो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्टरिन वो देखिए क्या है डॉक्टरिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सिवरिबिलिटी डॉक्टरी ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथककरण का सिद्धांत पृथककरण का सिद्धांत इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टू सेपरेट आउट यानी अलग कर देना इसका मतलब होता है टू सेपरेट आउट अलग कर देना अब थोड़ा और इसको समझते हैं आसान भाषा में ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर कोई लॉ बनाया गया और वो जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है मान लीजिए कि हमारे यहाँ आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है यही फंडामेंटल राइट है मान लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया एक कानून बनाया गया और उसमें एक प्रोविजन दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनको अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बढ़ावा देने वाला होगा तो ऐसी स्थिति में क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट एज अ होल उसको अवैध घोषित किया जाएगा या उसके किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो कि फंडामेंटल राइट को वह जो है वहां पर प्रभावित कर रहा है केवल उसको हटाया जाएगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी यह कहती है कि जो लॉ का प्रोविजन डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स को जो है उससे इनकंसिस्टेंसी शो करता है केवल उसी प्रोविजन को सेपरेट किया जाएगा न कि पूरे लॉ को तो यहां पर जो है कि ये बोला गया है ऑल दोज लॉज आर प्रोविजंस विच तो यहां पर ये जो ऑल दोन आर इन इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट जो जो हैं इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकारों से असंगत हैं वहां पर बोला गया है कि केवल जो प्रावधान विधि के जो प्रावधान वो उसके अलग हैं केवल उनको ही क्या है अलग किया जाएगा मतलब जो असंगत हैं केवल और केवल उनको ही अलग किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है सिंपल वे में कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो न्यून करती हो यानी कम करती हो और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा अगर कोई भी लॉ या प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंट हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा तो यह सिद्धांत क्या कहता है यह कहता है कि केवल विधि के केवल वे भाग अवैध होंगे केवल वे बात इनवैलिड होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हो जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट right से असंगत हो यानी विधि के शेष भाग वैध माने जाएंगे वैलिड माने जाएंगे कानून में तो बहुत से प्रोविजन होते हैं तो सेपरेबिलिटी होगी केवल उन प्रावधानों की जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, रेस्ट जो पार्ट ऑफ लॉ है वो वैलिड माना जाएगा यह है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी दूसरा यहीं पर एक और लॉ है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये आच्छादन का सिद्धांत है यह सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना तो दूसरा यहां पर है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहां पर और इसका मतलब होता है एक्लिप्स आप जानते हैं आच्छादन का सिद्धांत और आच्छादन या ग्रहण इसको कहते हैं ग्रहण का मतलब क्या है छिपना टू हाइट इसका मतलब क्या होता है छिपना टू हाइड और यह क्यों है पहले एक बार इसको समझिएगा एक्लिप्स का एक्लिप्स का कंसेप्ट क्या होता है सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण का कंसेप्ट क्या होता है कि जहां पर यह देखा जाता है कि चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गई ग्रहण लग गया उतनी जो है क्षेत्र छाया का क्षेत्र हो गया साइडो एरिया हो गया वहां पर तो यहां पर उसी तरीके से यह सिद्धांत कहता है ऐसे कानून जो संविधान के पहले लागू थे 1950 के पहले लागू हुए थे संविधान तो बना 26 जनवरी 1950 मूल अधिकार भी आया 26 जनवरी 1950 में इसके पहले तो मूल अधिकार की धारणा नहीं थी हमारे यहाँ संविधान ही जब 1950 में आया लेकिन इसके पहले तो कानून आ चुके थे और उस जब मान लीजिए उन्नीस में कोई कानून लागू हमारे यहाँ देश में था तो उस कानून से मूल अधिकारों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि मूल अधिकार तो थे ही नहीं उस वक्त लेकिन 1950 में जब मूल अधिकारों का अध्याय आ गया तो हो सकता है कि वो कानून मूल अधिकारों से इनकंसिस्टेंट हो यानी मूल अधिकार कुछ और कह रहे हो वो कानून कुछ और कह रहे हो अब ऐसे कंडीशन में जब इनकंसिस्टेंसी इन दोनों के बीच में होगी तो उस कानून के साथ क्या होगा जो संविधान के पहले लागू था तो यहां आच्छादन का सिद्धांत काम करता है आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि वो पूरा का पूरा, का पूरा कानून जो है वह मान लिया जाएगा कि वह वह नियर टू डेड है यानी उसको पैसिव मान लिया जाएगा कानून को यहां पर आच्छादित कर लिया जाएगा फंडामेंटल राइट right के उस प्रोविजन द्वारा यानी वो जो कानून है उस कानून के ऊपर जो फंडामेंटल राइट right का प्रोविजन किया गया जिससे वो इनकंसिस्टेंट है वो उसके ऊपर इक्लिप्स का काम करेगा उसको ढक देगा हाइट कर देगा इसका मतलब है कि वो जो कानून है वो अवैध नहीं घोषित किया गया बल्कि अब वह जो है जीरो घोषित किया गया है कि वह इन एफेक्टिव, इन ऑपरेटिव है तो जो लॉ प्री कंस्टिट्यूशनल लॉ है वो इन ऑपरेटिव हो जाएंगे डेड नहीं होंगे वो डेड नहीं है लेकिन इन ऑपरेटिव हो जाएंगे जब तक फंडामेंटल राइट right का एक्लिप्स रहेगा तब तक वह ऑपरेटिव रहेंगे लेकिन मान लीजिए कि भविष्य में जो फंडामेंटल राइट right से उनकी इनकंसिस्टेंसी थी उस कानून की वह फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट के थ्रू खत्म कर दिया जाए तो ऐसे में वो जो इनऑपरेटिव प्रोविजन था जो कानून था वो फिर से क्या हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा एक और एग्जाम्पल से समझिएगा कि नाइनटीन में राइट टू प्रॉपर्टी हमें दी गई और मान लीजिए कि 1948 में एक कानून था जो राज्य से कहता है कि बिना किसी की इच्छा के आप एक्वायर कर सकते हैं विदाउट कंपनसेशन आप किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं बिना क्षतिपूर्ति दिए लेकिन अब जब कानून बना तो वह कानून उस का जो मूल अधिकार आया तो मूल अधिकार उस कानून के खिलाफ था तो यह जो कानून था इनऑपरेटिव हो गया लेकिन 1978 में जब मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया तो वह आच्छादन व ग्रहण क्या है खत्म हो गया तो वह जो पुराना कानून था फिर से क्या हो जाएगा इफेक्टिव हो जाएगा प्रभावी मान लिया जाएगा इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं तो यहां पर जो है तो ये बोला गया है यहां पर संविधान पूर्व ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उसे सीमित करती हो संविधान लागू होने के बाद ऐसे मूल अधिकार द्वारा आच्छादित कर ली जाएगी मतलब ऐसी विधि समाप्त नहीं होती मृत या समाप्त नहीं होती बल्कि निष्क्रिय हो जाती है इनऑपरेटिव हो जाती है और यदि आच्छादित ओवर बाय बाई फंडामेंटल राइट्स इनऑपरेटिव होती है ओवरसाइडूड हो जाती है डेड नहीं होती है यदि आच्छादित करने वाला मूल अधिकार समाप्त कर दिया जाए को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसी विधि पुनः प्रभावी हो जाती ठीक है तो आर्टिकल थर्टीन में क्या डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज है ये समझ में आना चाहिए डॉक्टरीन ऑफ सिवरबिलिटी डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स ये नोट्स में भी दिए गए हैं वहां से भी आप पढ़ लीजिएगा आराम से समझ क्लास में कोशिश कीजिए जितना समझ में आ सके बाकी का काम नोट्स में है वो चीजें वहां पे डिटेल में दी गई लेकिन कई बार आप सिंपल नोट्स पढ़ेंगे समझ में नहीं आएंगी तो यहां पर आप जो है एक बार दो बार हमने कहा कि रोज़ाना आप अपना जो भी क्वेरी है वो मैसेज के थ्रू आप दे सकते हैं तो अगर वहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो वो हम अगले दिन क्लियर कर देंगे तो इसलिए जितनी भी क्लियरिटी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा कंसेप्चुअल चीज़ों पर बाकी जो रटने वाली चीज़ें हैं वहां कोई एक्सवाइजेड हेल्प नहीं कर सकता अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर हो तो फैक्चुअल चीजों को रटना आसान हो जाता है तो इसलिए जो है कोशिश कीजिए कि क्लास का मैक्सिमम जो लाभ है वो इस रूप में लीजिए कि आपको चीजें क्या हो जाए याद हो जाए एक और अंतिम चीज आर्टिकल थर्टीन में मैंने जो बताया कि यह जुडिशियल रिव्यू का बेस भी है यानी कि यह न्यायिक समीक्षा का जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड यहां पर न्यायिक समीक्षा का आधार यहां पर देखा जाता का आधार यहां पर

अब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार की विशेषताएं फीचर्स क्या हैं विशेषताएं क्या हैं ये हम लोगों को देखना फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्लियर है एक एक चीज यहां पर समझिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है फंडामेंटल राइट्स और नॉट एप्सलूट फंडामेंटल राइट्स और नॉट एप्सलूट बट क्वालिफाइड यानी क्या है कि ये जो मूल अधिकार हैं मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं निरपेक्ष नहीं बल्कि प्रतिबंधों के अधीन है युक्त युक्त प्रतिबंधों के अधीन है थोड़ा इसका मतलब समझते चलिएगा एक एक चीज और फिर आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सुलूट इन नेचर नहीं है राइट टू इक्वेलिटी दी गई है समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन समानता का अधिकार वह एब्सलूट फॉर्म में नहीं हो सकता है कि अंबानी जी और आम आदमी दोनों को एक कैटेगरी पे खड़ा कर दिया जाए सबसे पैसा लेके सारा पैसा सबको बांट दिया जाए कि आज से सबके पास लाख रुपए पांच लाख दस लाख रुपए सबके बराबर क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल वहां पर नहीं हम आपको आजादी स्वतंत्रता दे रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम आपके पास है बोलने का अधिकार लेकिन बोलने का अधिकार मतलब दूसरों को एब्यूज वर्ड दूसरों के लिए इस्तेमाल करना नहीं है गालियां देना नहीं है लोगों के ऊपर हाथ उठाना नहीं है हिंसा करना नहीं है यानी आपको जो अधिकार दिए जा रहे हैं उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस है वो एब्सुलूट नहीं है निरपेक्ष नहीं है आत्यांतिक नहीं है निरपेक्ष के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आत्यांतिक कई बार हिंदी मीडियम में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि आप जो है वहां पर वह हिंदी में ही उलझ के रह जाते हैं कि निरपेक्ष हम पढ़े थे आत्यांतिक तो हमने पढ़ा ही नहीं था तो कहने का मतलब है कि ये निरपेक्ष या आत्यांतिक अधिकार नहीं है ये सापेक्षिक हैं, ये प्रतिबंधों के अधीन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार सब कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आप दूसरों को बलपूर्वक वहां पर जो है फोर्स नहीं कर सकते धर्म के नाम पर आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते धर्म के नाम पर आप शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं यानी वहां वह प्रतिबंधों के अधीन है तो कोई भी फंडामेंटल राइट एप्सलूट इन नेचर नहीं है पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर आती है क्लियर है दूसरा क्या है यहां पर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए हैं यानी सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन सिटीजन्स ओनली बाकी सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबके लिए हैं सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये पांच आर्टिकल हैं जो केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं रिस्ट जितने भी आर्टिकल हैं वहां पर आप लैंग्वेज देखिए क्या है इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी यहां पर होगी अगर हम देखें तो यहां पर देखिए आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है? है। मतलब citizen या -citizen कोई भी हो सकता है। पहली चीज तो यहां पर यह है आर्टिकल 14 में लेकिन आर्टिकल 15 देखिए आर्टिकल 15 में वर्ड जो है आपके लैंग्वेज बदल जाएगा ये क्या है दल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन यहां पर क्या है सिर्जन यहां पर वर्ड यूज किया गया है तो ये हमें समझना है कि यहां पर नो no पर आर्टिकल मिला हुआ है, हमारे को. 16 को मिला हुआ है। यहां पर 17 17 का जो लैंग्वेज है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिस्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म तो यहां पर कोई सिर्जन वर्ड यूज नहीं किया गया है ये सबके लिए है आर्टिकल 18 देखिए तो यहां पर नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री एकेडमिक बी कन्फर्ड बाय द स्टेट यहां भी सिटीजन या नॉन सिटीजन का कोई मेंशन नहीं किया गया लेकिन अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो यहां पर 19 में सिटीजन वर्ड यूज किया गया है और यहीं पर आप अगर आर्टिकल ट्वेंटी देखेंगे तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है आर्टिकल ट्वेंटी में जो है यहां पर लैंग्वेज बदला हुआ दिखाई देगा तो आर्टिकल ट्वेंटी देखिए आर्टिकल 20 में नो no पर्सन देख रहे हैं यहां सिटिज़न वर्ड यूज नहीं किया गया है इसी तरीके से 21 नो पर्सन ये सब नो पर्सन यानी सिटिज़न नॉन सिटिज़न दोनों के लिए हैं आर्टिकल 22 देखिए यहां पर भी है नो पर्सन ये सिटिज़न और नॉन सिटिज़न दोनों के लिए तो कितने आर्टिकल जो हैं केवल सिटिज़न के लिए हैं आर्टिकल 15 16 आप आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 नाइन और आर्टिकल थर्टी ये पांच ऐसे आर्टिकल हैं जो सभी सिर्जंस को केवल और केवल सिर्जंस को दिए गए हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा सा समझना था पहली चीज अब आइए तीसरा यहाँ पर हम फीचर्स इसका देखते हैं तीसरा है कि कुछ ऐसे हमारे जो हैं फंडामेंटल राइट हैं जो निगेटिव राइट्स के रूप में माने जाते हैं और कुछ पॉजिटिव राइट्स के रूप में माने जाते हैं तो तीसरी चीज है कि कुछ जो है यहां पर पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव हैं सम फंडामेंटल सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स और निगेटिव एंड सम ऑफ़ दी एंड सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव तो ये यहां पर क्या है निगेटिव और पॉजिटिव राइट्स निगेटिव फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और पॉजिटिव निगेटिव का मतलब है जो स्टेट पर स्टेट की पावर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता हो दे पुट अ लिमिटेशन ऑन अथॉरिटी आर स्टेट थॉरिटी ऑफ स्टेट तो जो नकारात्मक मूल अधिकार हैं वो ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हो राज्य के प्राधिकार या सत्ता पर सत्ता पर सीमा आरोपित करते हो सीमाएं आरोपित करते हो कि आप ये नहीं कर सकते जैसे जैसे ये बोला गया है आर्टिकल 15 में कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा राज्य अस्पृश्यता नहीं करेगा तो ये फोर्स क्या किया गया कि ये काम नहीं करना है, राज्य लोगों की स्वतंत्रता का आनंद नहीं करेगा तो निगेटिव राइट यानी जो स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये आपको काम नहीं करना है और यहां पर पॉजिटिव राइट का मतलब क्या है जहां पर स्टेट को बोला गया है कि आपको ये काम करना चाहिए तो यहां पर जो है दे गिव एक्स्ट्रा पावर टू स्टेट तो यहां राज्य को कुछ यहां पर एक्स्ट्रा पावर होता है टू प्रोवाइड सम स्पेशल प्रोविजन सम स्पेशल प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी तो ये यहां पर वो है जो राज्य को कुछ स्पेशल प्रोविजन देते हैं कि राज्य इसके लिए कुछ विशेष कार्य कर सकता है कुछ फॉर द सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ अगर करना हो स्पेशल जो औरों से हटकर हो जैसे पॉजिटिव राइट्स क्या है कि महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य को स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन करना चाहिए तो इन्हें पॉजिटिव राइट कहते हैं ये सकारात्मक अधिकार के रूप में होते हैं क्लियर है आइए तीसरी विशेषता यहां पर समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल यानी वाद योग्य हैं ये क्या है वाद योग्य होते हैं और वाद योग्य होने का मतलब क्या है अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो कोई भी इंडिविजुअल या सिटिजंस जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत वह सीधे हाई कोर्ट जा सकता है तो ये मूल अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो जरूरी नहीं है कि हम सीधे निचले अदालत में जाएं। हमारे यहां न्यायपालिका में तीन अदालत हैं सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कोई भी मामला आएगा नियम कहता है कि पहले आपको निचली अदालत जाना है फिर वहां से अपील करके उच्च न्यायालय फिर वहां से अपील करके सर्वोच्च न्यायालय लेकिन मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में यह नियम बदल जाता है अगर आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं जिसको भी जाने की इच्छा है अब चूंकि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है तो बहुत से लोग वहां जाना प्रेफर नहीं करते तो दूसरा विकल्प दिया गया है कि आप सीधे उच्च न्यायालय चले जाइए अपने अपने यहां अनुच्छेद दो के तहत तो ये यहां पर जो है यह बोला जाता है क्लियर है दूसरी एक और चीज यहां पर है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वह सस्पेंड किए जा सकते कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यानी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अब थोड़ा सा इसको समझना है कि मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं निलंबित हो सकते क्लियर है तो निलंबित हो सकते हैं तो मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 352 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर देश के सामने वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्मड रिविलियन युद्ध बाह आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते और अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो ऐसी स्थिति में बोला गया है कि आर्टिकल 358 के थ्रू इसके इफेक्ट क्या होते हैं तो बोला गया है कि आर्टिकल 358 के थ्रू आर्टिकल 19 जो है वह यहां पर सस्पेंड हो जाता है यह ऑटोमेटिक सस्पेंशन इसका हो जाता है स्वतः निलंबन हो जाता है जैसे ही जो है वह नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर किया जाता है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर अगर दो ग्राउंड हैं वार और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर इन दो ग्राउंड पर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है नेशनल इमरजेंसी तो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 वह अपने आप सस्पेंड हो जाता है आप उसकी मांग करने न्यायपालिका में नहीं जा सकते एक सिंगल आर्टिकल की बात चल रही है और किस ग्राउंड पर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन ऑटोमेटिक सस्पेंशन यहां पर हो जाता है स्वतः निलंबन लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि और भी फंडामेंटल राइट right को सस्पेंड किया जाना है तो आर्टिकल 359 कहता है फॉर अदर फंडामेंटल राइट जो अन्य मूल अधिकार हैं उनके सस्पेंशन के लिए फॉर द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स, वहां पर कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं, वह नोटिफिकेशन लाते और नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वह अदर फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14, 15, 16, 17 कोई भी उसको यहां पर सस्पेंड कर सकते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन यहां पर क्या है एक्सेप्ट यहां पर बोला गया है वह आर्टिकल 20 और 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं तो अनुच्छेद यहां पर जो है यह 20 और 21 यहाँ पर जो है वह सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं यहां पर बाकी के जो हैं वह जो आर्टिकल हैं उनको सस्पेंड किए जा सकते हैं क्लियर है यहां तक तो एक तो ये हम लोग बेसिक बेसिक चीजें देख रहे थे अब यहां दूसरी चीज है कि हमारे यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्रोवाइड किए गए तो अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनके कितने टाइप्स हैं तो सिक्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पहला क्या है पहला राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार पहला अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में में समानता के संबंध में प्रावधान किए गए दूसरा अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार और यह आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक देखा जाता है जिसमें फ्रीडम के बारे में प्रोविजन किया गया है तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है यह आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 ये दो आर्टिकल जो हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं चौथा जो अधिकार है वह राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर बोला गया और यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में मिलेगा नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट right है वह कल्चरल एजुकेशनल राइट है कल्चरल एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में इनके बारे में प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 29 और 30 में और अंतिम फंडामेंटल राइट्स जो है वह कंस्टिट्यूशनल रेमेडी का जो राइट right है यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में यह मेंशन किया गया अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया अब यहां पर समझना है कि ओरिजिनल कंस्टिट्यूशन में सेवन फंडामेंटल राइट्स थे मूल अधिकार मूल संविधान जो हमारा था मूल संविधान में सात फंडामेंटल राइट्स वहां पर थे इनमें से राइट टू प्रॉपर्टी जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एबॉलिस्ड बाई थ्रू फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट संपत्ति के अधिकार को बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया क्लियर तो यहां पर ये कुछ चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स के फीचर के रूप में समझनी थी अपने दिमाग में रखनी थी अब चूंकि हमने कहा कि हमें सिक्स जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त हैं हमें उनको पढ़ना है और हम राइट टू प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर ब्रीफली देखेंगे तो पहले एक एक करके हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं पहला जो फंडामेंटल राइट right है वह राइट टू इक्वेलिटी है यानी समानता का अधिकार है तो आइए राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं यानी समानता के अधिकार की बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी जब हम देखेंगे तो पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये इक्वलिटी का मतलब क्या है और आखिर क्या वजह रही कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वह इन सिक्स फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट पोजीशन वह राइट टू इक्वेलिटी को दिया ये भी तो किया जा सकता था कि राइट टू फ्रीडम पहला वह यहां पर शुरुआत जहां से इंट्रो होता वो राइट टू फ्रीडम होता लेकिन अगर यहां पर इक्वेलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है तो इसके पीछे कुछ वजह होगी असल में हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इरा में ही ये बात और नेशनल मूवमेंट जब हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमारे जो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे वो केवल अंग्रेजों से एक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कि हमें देश को आजाद कराना है बल्कि वो एक विजन के साथ भी चल रहे थे कि अगर देश आजाद हो जाता है तो फिर आने वाला इंडिया कैसा होगा और ये बड़ा मायने रखता है कि केवल हम कन्फाइंड नहीं है कि बस किसी तरीके से आजाद हो जाए हम अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को भी लेकर चल रहे हैं अपने फ्यूचर विजन को भी लेकर चल रहे हैं कि वॉट इज वॉट विल बी आइडिया ऑफ इंडिया आखिर क्या होगा आइडिया ऑफ इंडिया भारत का विचार क्या होगा तो आइडिया ऑफ इंडिया वो दो चीजों से डिसाइड होता एक कि जो इसके इनहरेंट कंट्राडिक्शन हैं प्रॉब्लम्स से उनको दूर करना और जो इसकी पोटेंशियलिटी है उसको एक्सप्लोर करना तभी तो यहाँ पर आइडिया ऑफ इंडिया सही मायने में दिखेगा हमारी जो इनहरेंट कंट्राडिक्शन या मूल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक नेशन के रूप में हम बटे हुए थे और बटे क्यों हुए थे क्योंकि हमारे यहां पर वह एक हायरकल सोसाइटी देखा जा रहा था पद सोपानिक समाज देखा जा रहा था जहां पर अपर कास्ट के लोग जो हैं उनके पास प्रिविलेजेस ज्यादा थे जहां पर मेल के पास प्रिविलेजेस ज्यादा थे जहां पर ट्रांसजेंडर व डिप्राइव्ड थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डिप्राइव्ड थे यह सोसाइटी इन एकवेलिटी पर बेस्ड था यह जो समाज था हमारा असमानता और भेदभाव पर आधारित था ऐसी सोसाइटी में ये अगर सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी लानी है सबके अंदर बंधुत्व की भावना लानी है और सबको अगर हमें आगे लेकर जाना है एक कंट्री एक कम्युनिटी एक नेशन के रूप में तो सबके अंदर वह इक्वेलिटी की भावना होनी चाहिए सेंस ऑफ इक्वेलिटी होनी चाहिए और यह इसलिए केवल जरूरी नहीं है कि यह फिलोसफिकल टर्म में हम बोल रहे हैं कि नहीं सब एक समान है सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए बल्कि प्रैक्टिकली अगर इन इक्वल सोसाइटी होती है तो उसमें फ्रेटर्निटी नहीं होती है उसमें सोशल टेंशन ज्यादा होते हैं सोशल कंफ्रंटेशन और कंफ्लिक्ट ज्यादा होते हैं अगर सोशल कंफ्लिक्ट बढ़ेंगे तो वह कंट्री कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है और सदियों से इंडिया को अगर हम उठाकर देखें तो आपस में लड़ने भिड़ने के कारण ही यह समाज आगे नहीं बढ़ पाया है यह जातियों में धर्मों में भाषाओं में बटा हुआ देश रहा है और इस वजह से इसकी यूनिटी कहीं ना कहीं, कहीं कमजोर होती रही है तो हमने ये सोचा कि अगर हम इक्वेलिटी को फर्स्ट पोजिशन देते हैं तो हम सोसाइटी के सबसे बड़े प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं क्योंकि जब तक समानता भारत जैसे समाज में नहीं आएगी तब तक अदर राइट जो हैं, उनको एंजॉय करने की कैपेसिटी नहीं आएगी यानी आप अनुसूचित जाति को वह अनटचेबल बनाए रखिए और कहिए आप आजाद हैं यह अपने आप में कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमारे यहां इन इक्वेलिटी की वजह से एक्सप्लाइटेशन भी हो रहा था लोगों के फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के कोई मतलब नहीं थे हर तरीके से डिप्रीवियेशन उनको देखने को मिल रहा था इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना हमारी सोसाइटी का और इसलिए हमने सबसे अधिक फोकस किसपे किया राइट टू इक्वेलिटी पर और राइट टू इक्वेलिटी जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 में दी गई इन में अगर हम पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं यानी हम पहले आर्टिकल 14 की तरफ चलते हैं तो आर्टिकल 14 से ही चीजें क्लियर होनी स्टार्ट होंगी आर्टिकल 14 में आप देखेंगे तो यहां पर क्या बोला गया है आर्टिकल 14 का लैंग्वेज थोड़ा सा देखिएगा तो आर्टिकल 14 यहां पर कहता है द स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन क्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत के राज क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समानता और विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता है तो की वर्ड यहां पर क्या है कि कोई भी पर्सन हो उसको बोला गया है कि उसके पास दो चीजें होंगी और स्टेट इस इसको डिनाई नहीं कर सकता है। वो क्या है पहला यहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष क्या होनी चाहिए वह समानता होनी चाहिए और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण होना चाहिए अब इन तीनों वर्ड को आप डिफाइन कर लीजिए आप पूरा का पूरा आर्टिकल 14 समझ में आपको आ जाएगा पहले समझते हैं पर्सन व्यक्ति का मतलब क्या है व्यक्ति का सामान्य सा मतलब है कि यह जो हमारा राइट है यह सिटीजन को भी मिला हुआ है और किसको मिला हुआ है, है। यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए अनुच्छेद चौदह के अधिकार है दूसरा यह अगर अधिकार की बात की जाए तो यह मेल को मिला है फीमेल को मिला है या दोनों को या किसको मिला है तो यह जो अधिकार है यह पुरुष का भी है या महिला को भी है और अब एक केस आया नालसा केस आगे हमें पढ़ना भी है उस केस के तहत ट्रांसजेंडर को भी अब यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि अनुच्छेद चौदह का मतलब केवल पुरुष और महिला नहीं है अनुच्छेद चौदह में जो पर्सन वर्ड यूज किया गया उसका मतलब पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर इनको भी विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता तीसरा पर्सन का एक मतलब होता है नेचुरल पर्सन से प्राकृतिक जो है व्यक्ति से और एक होता है लीगल पर्सन से यानी वैधानिक व्यक्ति से प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब होता है कि जो यहां पर एक लिविंग एंटिटी है जीवित व्यक्ति है हम सब क्या है लिविंग जो है लोग हैं तो हम लोग जीवित इकाई है नेचुरल बॉर्न जो है वह पर्सन है लेकिन लीगल पर्सन का मतलब क्या है कि कई बार वह टैक्स पर्पजेस से जो अलग अलग कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको स्टेट वह एज अ पर्सन डिफाइन करता है तो जैसे रिलायंस पर्सन है टाटा पर्सन है या फिर जो है जो बिरला ग्रुप है जो कंपनी है वह भी लीगल पर्सन मानी जाती है और ऐसे में प्राकृतिक और विधिक दोनों व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो पर्सन जो वर्ड यूज किया गया है उसको नागरिक और गैर नागरिकों के लिए पुरुष महिला ट्रांसजेंडर के लिए प्राकृतिक और विधिक दोनों तरीके के व्यक्तियों के लिए समानता की बात करता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार क्या है होना चाहिए अब पहला जो वर्ड है यहां पर इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन दोनों में पहले अंतर समझिए क्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि यहां पर इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए यह कहता है कि समान व्यवहार होना चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट यहां पर होना चाहिए यह समान व्यवहार की बात करता है और यह जो है यह जिस लॉ पर बेस्ड है इक्वेलिटी बिफोर लॉ यह जो है यहां पर वह बेस्ड है इक्वेलिटी बिफोर लॉ यहां पर आधारित है वह किस सिद्धांत पर रूल ऑफ लॉ पर विधि के शासन पर आधारित है तो इस इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ यह विधि के शासन पर आधारित है यहां पर देखा जाता है विधि के शासन पर आधारित तो यहां पर विधि के शासन पर आधारित होने का मतलब क्या है तो यहां पर यह हमें समझना है विधि के शासन का मतलब क्या है रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है रूल ऑफ लॉ के देखिए नियम क्या है पहला नियम है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून जो है वह सर्वोच्च है यहां पर जो है वह कौन सर्वोच्च है कानून यानी जहां पर रूल जो है वह लॉ का होगा सुप्रीमेसी लॉ का होगा और यहां पर बोला गया है कि लॉ की नजर में जो है सब समान है कि कानून की नजर में सभी समान है। कानून की नजर में सभी समान ठीक है तो कानून की नजर में क्या है सभी लोग समान है तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की यहां पर बात की गई है दूसरा यहां पर जो बोला गया है वो क्या है दूसरा बोला गया है कि यहां पर जो है वह रूल बाय लॉ होगा रूल बाय इंडिविजुअल नहीं तो यहां पर बोला गया है व्यक्तियों का शासन नहीं या व्यक्तियों का शासन नहीं विधि का शासन विधि का शासन देखा जाएगा व्यक्तियों का शासन नहीं विधि का शासन यहां पर देखा जाएगा यहां पर व्यक्तियों का शासन नहीं विधि का शासन देखा जाएगा अब दूसरी चीज यहां पर क्या है कि ये विधि का शासन यहां पर देखा जाएगा अब विधियों का समान संरक्षण थोड़ा सा समझिएगा ये क्या कहता है ये तो समझ में आ रहा है कि इक्वल ट्रीटमेंट टू तो एवरी सभी के साथ समान व्यवहार करने की बात विधि के समानता कहता है लेकिन विधियों का जो समान संरक्षण है ये धारणा अलग तरीके का है ये कहता है कि जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं, उनके साथ एक व्यवहार किया जा सकता है लेकिन जो लोग अलग अलग स्थितियों में हैं, उनसे अलग अलग व्यवहार होना चाहिए तो यहां पर जो है ये अपने आप में यहां पर एक अलग तरीके का कंसेप्ट है यह असल में अमेरिकन कंसेप्ट है और अमेरिकन कंसेप्ट कि एक अगर यहां पर समझे कि सोसाइटी क्या है अगर वर्टिकल है यानी कुछ लोग सुपीरियर हैं और कुछ लोग इनफीरियर हैं समाज में लोगों का स्तर अलग अलग है तो इस लेयर जो सोसाइटी का है यानी जैसे मान लीजिए अपर कास्ट तो आप इनके साथ एक जैसा व्यवहार करें समझ में आता है और जो लोग लोअर कास्ट में हैं उनके साथ भी एक जैसा व्यवहार करें समझ में आता है एक ग्रुप में लेकिन इन दोनों को एक तरीके का आप ट्रीट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनटचेबिलिटी के शिकार है ये अनटचेबिलिटी के शिकार नहीं इनके पास हमेशा से रहे इनके पास नहीं रहे पुरुष और महिला को आप एक पुरुषों के साथ एक जैसा व्यवहार करें सभी पुरुषों के साथ ठीक है लेकिन पुरुष और महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार यह सही नहीं क्यों नहीं सही है क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर तमाम तरीके की बंदिशें और इसलिए उन बंदिशों को खत्म करने के लिए और पुरुष महिलाओं को एक स्तर पर लाने के लिए महिलाओं के साथ कुछ अलग व्यवहार करना होगा उन्हें कुछ अलग सुविधाएं देनी होगी समाज के डिप्राइव्ड क्लासेस को अलग यहां पर ट्रीट करना होगा तो रूल ऑफ लॉ या इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस कहता है कि नहीं जो लोग अन पोजीशन में हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है इक्वल जो पोजीशन में हैं उनके साथ ही इक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है तो यहां पर यह कहता है इट इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई लॉज ऑन एवरी वन इक्वली कि सभी पर वह आप जो है वह समान कानून यहां पर नहीं लागू कर सकते हैं तो यहां पर यह समझना होगा यानी जो यहां पर अन इक्वल में हैं उनके साथ अन इक्वल यहां पर होना चाहिए यानी असमान स्थितियों में अनइक्वल ट्रीटमेंट अमंग अन इक्वल पीपल असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए असमान व्यवहार होना चाहिए क्लियर है आप कुछ बात समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है यह ब्रिटिश कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है यह ब्रिटिश कंसेप्ट है और यह कहता है कि स्टेट को जो है वह सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए अलग नहीं, नहीं। प्रधानमंत्री आम आदमी सब एक हैं। इसलिए यह निगेटिव कंसेप्ट है यह कहता है कि राज्य जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है मतलब स्टेट के लिए यह बोलता है नो डिस्क्रिमिनेशन कि यहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समानता का मतलब क्या है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन यह जो कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यह एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो यहां पर कहता है कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं अलग सिचुएशन में है उनके साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है इसीलिए कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाना चाहिए लेकिन यह डिस्क्रिमिनेशन गलत तरीके का नहीं बल्कि क्या है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के लिए अगर जिन लोगों के लिए अगर हम डिस्क्रिमिनेशन न करें या उनके लिए स्पेशल प्रोविजन न करें वो लोग सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे उनका एक्सप्लाइटेशन होता रहेगा विमेन चाइल्ड सेड्यूल का ट्राइब इनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए तो इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉज या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है इक्वालिटी no हो, जा, हो जाती और वो क्या है आर्टिकल 14 का एक प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए और वो क्या है वो कहता है कि यहां पर क्लास लेजिस्लेशन जो है वह नहीं हो सकता है लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ इज अलाउड तो यहां पर भारत में बोला जाता है कि वर्ग विधायन यानी क्लास लेजिस्लेशन परमिशिबल नहीं है परमिशन इसको नहीं दिया गया है लेकिन वर्ग विधायन की अनुमति नहीं है लेकिन वर्ग वर, विधियों का तार्किक वर्गीकरण संभव है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज यानी विधियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज विधियों का वर्गीकरण वह संभव है अब थोड़ा इस चीज को क्यों हमने बताया है थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा यह इसलिए बताया है कि हमारे यहां पर यह कहा जाता है कि राइट इक्वेलिटी बिफोर लॉ विधि के समय सभी लोग समान हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी विधियों का समान संरक्षण दो बातें लेकर आता है यह कहता है वैसे तो अगर सब लोग एक जैसी स्थिति में हैं तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए आइडियली हम चाहते हैं कि समाज में सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो हॉरिजेंटल सोसाइटी हम बना दें एक जैसा समाज बना दें लेकिन प्रैक्टिकली हमारा सोसाइटी ऐसा नहीं रहा है हमारी सोसाइटी में बहुत से ग्रुप के साथ बहुत से क्लास के साथ यहां पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होते रहे हैं उनको डिप्रिविएशन फेस करने पड़े हैं और अगर उनको साथ लेकर नहीं चला गया तो वो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह जाएंगे इसलिए उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना होगा उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं हमें देनी होंगी राज्य के द्वारा यह हमारा आर्टिकल 14 कहता है अब एक चीज यहां पर समझिए जब हम कहते हैं अनुच्छेद चौदह सबको एक मानता है इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि आर्बिट्रेरी लॉ नहीं होने चाहिए मनमाने कानून नहीं होने चाहिए लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी देश में हैं सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए तो ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं क्या हिंदुओं के लिए अलग कानून मुसलमानों के लिए अलग कानून क्या सिखों के लिए अलग कानून बनाए जा सकते हैं क्या पुरुषों के लिए अलग महिलाओं के लिए अलग बच्चों के लिए अलग बुजुर्गों के लिए अलग क्या ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट पॉसिबल वर्ग विधायन संभव नहीं है अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग कानून हमारे यहां नहीं बनेंगे कानून एक ही बनता है और वह सब पर लागू होता है लेकिन यहां पर बोला गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज हो सकते हैं विधियों का वर्गीकरण किया जा सकता लेकिन यहां एक शर्त दिया गया है कि आप विधियों का जब वर्गीकरण करें तो कैसे करें विधियों के वर्गीकरण का मतलब क्या है मान लीजिए कि एक कानून बनाया गया और वह है पिनल कोड यानी अगर आप अपराध करते हैं तो उस अपराध पर आपको दंड दिया जा सकता है जैसे हत्या करने पर आपको 302 के तहत मृत्युदंड दिया जा सकता है ये कानून बनाया गया क्या यह कानून सभी पर लागू होना चाहिए बिल्कुल पुराने जमाने में क्या होता था कि उच्च जाति के जो लोग होते थे उनके लिए सजा की मात्रा कम होती थी निम्न जाति के लोगों के लिए सजा की मात्रा ज्यादा होती थी लेकिन आज के लोकतांत्रिक युग में वह चाहे ऊंची जाति हो नीची जाति हो चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो सबके लिए एक ही तरीके का दंड का प्रावधान किया जाएगा बात तो सही है लेकिन आप जानते होंगे आप सुने भी होंगे कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वो कानून लागू नहीं होते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू होते अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इवन अपराधी नहीं माना जाता है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कानून है वह यह कहता है कि उनको वहां पर डिटेन करके उनको निरुद्ध करके बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा जहां वो केवल तीन वर्ष रहेंगे जहां उनको सुधारा जाएगा और फिर से समाज में वापस भेज दिया जाएगा अब यहाँ पर आयु के आधार पर आप देख सकते हैं कि कानून का प्रभाव एक आयु वर्ग के ऊपर के लोगों के लिए अलग है और एक आयु वर्ग के ऊपर के लोगों से नीचे के लिए अलग है यही है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज यानी विधियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कानून जो हैं जब बनाए जा रहे हैं वैसे तो सबके लिए समान होंगे लेकिन कानून का प्रभाव अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग हो सकता है क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज हो सकता है ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं के लिए कानून मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कानून कानून है और उस कानून का प्रभाव हिंदुओं के लिए अलग मुसलमानों के लिए अलग सिखों का अलग हो सकता है अगर वहां पर किया जाना है लेकिन क्लासिफिकेशन भी जब किया जाएगा कानूनों का तो मनमाने तरीके से नहीं होगा बल्कि उसके भी कुछ सिद्धांत अपनाने होंगे अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है तो यहां पर बोला गया है कि यह जो क्लासिफिकेशन है यह जो है यह अपने आप में आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए यह यहां पर रेशनल इसके पीछे के यहां पर होना चाहिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज जो है वो सही है या नहीं है इसको टेस्ट किया जाता है कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है दो चीजें यहां पर होनी चाहिए पहला क्या है एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यानी अधिकारोध गम्य अंतरक पर आधारित जो क्लासिफिकेशन है वह बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए बोध गम्य अंतरक का मतलब क्या है कि मतलब जो डिफरेंट जिस आधार पर कर रहे हैं वो क्या है वो तार्किक हो इंटेलिजिबल हो समझ में आए कि कुछ भी यहां पर कोई कानून हमने बनाया और बोल दिया कि यह कानून इन पर लागू होगा इन पर नहीं लागू होगा ऐसे नहीं होगा जैसे पंचायतों का चुनाव हो रहा है पंचायतों के चुनाव में हरियाणा सरकार ने कानून बनाया कि जो आठवीं पास लोग हैं उनसे ऊपर के जो लोग हैं वो केवल चुनाव लड़ सकते हैं पंचायतों का मामला कोर्ट में पहुंचा कोर्ट ने कहा बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज का एग्जाम्पल है क्यों क्योंकि ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित है और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है बोधगमत्र क्या है यह एजुकेशन के आधार पर दो समूहों को बांट रहा है अब दूसरा क्या है यहां पर कि यहां पर एक रेशनल नेक्सस होना चाहिए एक तार्किक संबंध होना चाहिए किसके बीच में कि जो कानून बनाया जा रहा है और जो भेदभाव का आधार है उन दोनों के बीच में यहां पर होना चाहिए मतलब इसको हम अगर बोलें कि देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन रीजन जो कारण है कानून बनाने का और जो उसका मकसद है एंड द एंड रिजल्ट तो यहां पर अगर इनके बीच में जो है वह नेक्सस रिश्वनल तार्किक संबंध यहां पर हो तो अंतरख जो है यानी डिफरेंशिया तो और मतलब किस आधार पर किस आधार पर कानून बनाया गया है और अंतर तथा विधि के उद्देश्य के मध्य विधि के उद्देश्य के मध्य तार्किक संबंध होना चाहिए विधि के उद्देश्य के मध्य तार्किक संबंध होना चाहिए रेशनल नेक्सस होना चाहिए तो यहां पर दो चीजें बोली गई हैं कि अगर कोई कानून का वर्गीकरण किया जा रहा है तो वह इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए और कानून में वर्गीकरण जिस आधार पर किया जा रहा है उसका और कानून का जो उद्देश्य उनके बीच में एक रेशनल नेक्सस यहां पर होना चाहिए यानी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेशन अगर होगा तो ये यह यहां पर मुश्किल होगा यह जो मामला था जो कोर्ट ने बोला था यह मामला जस्टिस तेंदुलकर केस में आया हुआ था थोड़ा इसको और यहां पर समझ लेते हैं क्योंकि यह अभी चर्चा में रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है और ये जो है यहां पर क्यों चर्चा में आ जाता है हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया पिछली बार और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम में कहा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन इस्लामिक स्टेट से जो वहां के माइनॉरिटीज इंडिया 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं और आके यहाँ पे रह रहे हैं इलीगल जो है कम्युनिटी के रूप में अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनके नागरिकता के आवेदन में छूट दी जाएगी और छह साल केवल भारत में रहने की स्थिति में उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी तो यहाँ पर तीन ये कंट्री चुने गए और इन तीन कंट्री में वह सिक्स कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया गया जो सिक्स रीजनल माइनॉरिटीज यहां पर थी हिंदू यहां पर ईसाई जैन बौद्ध यहां पर सिख और यहां पर जो है पारसी ये छह रिलीजन के जो लोग इन तीनों देश में रह रहे थे और खेत जो इन तीनों देश के थे और 2014 के पहले भारत आ गए थे उन लोगों को यह बोलता है कि आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी अब इस कानून को इस आधार पर आलोचना का सामना करना पड़ा या चुनौती दी गई कि यह धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है क्योंकि इसमें छह धर्मों को जिक्र किया गया लेकिन मुस्लिम रिलीजन यहां पर जो है मेंशन नहीं किया गया और आर्टिकल 14 के राइट टू इक्वेलिटी का यह वायलेशन है ऐसे में जब यह मामला पार्लियामेंट में डिबेट में चल रहा था तो उस वक्त होम मिनिस्टर जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह कहा गया कि यह कानून पूरी तरीके से वैलिड है और अगर यह कोर्ट में जाता है मामला तो वहां पर भी जुडिशरी इसे एक्सेप्ट करेगी इस कॉन्फिडेंस के पीछे उनका रीजन था उन्होंने कोर्ट किया यहां पर एक केस का और वह केस था जस्टिस तेंदुलकर केस जस्टिस तेंदुलकर वर्सेस डालमिया केस में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर अगर यहां पर वह रेशनल नेक्सस के आधार पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर क्लास का लॉज का क्लासिफिकेशन किया गया यानी वह उसका इफेक्ट कुछ लोगों पर है कुछ लोगों पर नहीं है और यह क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित है कि छह लोगों को क्यों एक लोग को क्यों नहीं अगर इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है तो ऐसी स्थिति में जो है यहां पर यह बोला गया है कि इसको जो है यहां पर देखा जा सकता है तो ये अपने आप में यहां पर महत्वपूर्ण है क्लियर है यहां तक तो एक चीज तो जो यहां पर समझनी थी कि यह इंटेलिजिबल डिफरेंशिया यहां पर क्या है और इसका परीक्षण कैसे किया जाता है तो यह केस कौन सा था डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर केस डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर केस इसके अलावा जस्टिस तेंदुलकर केस यह मामला आया था एफ एन बालसारा केस में भी 1951 में में दोनों मामलों आया हुआ था तो जस्टिस तेंदुलकर वाद़ और बॉम्बे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बालसारा केस उसमें भी आया था लेकिन चर्चित ज्यादा जो होम मिनिस्टर ने कोर्ट किया था वो जस्टिस तेंदुलकर केस को कोर्ट किया था अब आइए एक तीसरा चीज यहीं पर आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ समझते आर्टिकल नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट पर आधारित है यानी यहां पर जब हम इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं विधि के समझ समानता तो इक्वैलिटी बिफोर लॉ विधि के समझ समानता की बात चल रही है विधि के समझ समानता मतलब सभी लोग कानून की नजर में समान है सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन uh, नहीं किया जाएगा तो इक्वल इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है यह एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यह प्राकृतिक न्याय इसी को हिंदी में नैसर्गिक न्याय कहते हैं तो यह प्राकृतिक या, या नैसर्गिक न्याय पर आधारित है और प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या होता है नेचुरल जस्टिस बार बार यह टर्म आएगा तो यहां ध्यान रखिएगा नेचुरल जस्टिस का मतलब है नो फेवरिज्म यानी पक्षपात पूर्ण व्यवहार का न फेवरिज्म no नहीं होना चाहिए पक्षपात पूर्ण व्यवहार का न होना कोई फेवरिज्म यहां पर नहीं होना चाहिए दूसरा कि अगर कोई एक्यूज है किसी के ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने यह गलत काम किया है तो एक्यूज को अपना स्टैंड अपना साइड रखने का राइट right होना चाहिए ऐसा ना हो कि किसी को भी आपने एक्यूज बनाया और कह दिया कि यही कल्प्रिट है अब इसी को पनिशमेंट दे दिया जाएगा ऐसा नहीं होगा नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी आरोप लगाइए आप सामने वाले का पक्ष भी सुनिए कई बार हम किसी व्यक्ति को लेकर बड़ी नेगेटिव मेंटेलिटी रखते हैं और इस आधार पर हम मानते हैं कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो इसने किया ही होगा कई बार ऐसा होता है कि उसने वो गलत काम नहीं किया होता है तो ये ध्यान रखना है कि अभियुक्त यानी एक्यूज को अपना जो स्टैंड है वो रखने का अधिकार मिलना चाहिए तो अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्यूज है वह अपने ही मामले का जज नहीं हो सकता है नेचुरल जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपके ऊपर आरोप लगा है तो आपके खिलाफ कोई डिसीजन अलग व्यक्ति देगा आप देंगे तो आप तो अपने आप को वहां पर हमेशा फ्री कर देंगे जैसे ये केस क्यों इतना इंपॉर्टेंट आया बीच में अभी हाल ही में पिछले के पिछले साल जो है पिछले साल जस्टिस रंजन गोगोई हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे और जस्टिस रंजन गोगोई जी के ऊपर उन्हीं के कोर्ट में एक औरत के द्वारा आरोप लगाया गया सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन का ऐसे में उन्होंने जो कोर्ट की परंपरा है तुरंत एक इनर कमेटी की एक आंतरिक समिति का गठन किया गया अब प्रॉब्लम था कि उस समिति को हेड कौन कर रहा था जस्टिस रंजन गगोई खुद कर रहे थे सवाल यह है कि आप हैं और आप जिस इन्वेस्टिगेशन मामले की करने जा रहे हैं आप खुद उसके एक्यूज हैं और आप वहां पर न्यायाधीश बनने जा रहे हैं तो यहां पर तीसरा नियम कहता है कि अभियुक्त का अपने ही विरुद्ध मामले का न्यायाधीश न बनना अपने ही विरुद्ध मामले का न्यायाधीश न बनना यह तो था आर्टिकल 14 जो है यहां पर क्या कहता है आर्टिकल 14 में जो राइट टू इक्वेलिटी है विधि के समझ समानता इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। यानी विधि के समझ समानता के कुछ अपवाद हैं विधि के एक्सेप्शन ऑफ राइट टू इक्वेलिटी यहां पर इक्वेलिटी बिफोर लॉ विधि के समझ समानता के एक्सेप्शन दिए गए हैं और विधि के समझ समानता के एक्सेप्शन क्या हैं? हमने कहा नोट्स वगैरह में ये सारी चीजें हैं यहां पे तो केवल हम फ्लो चार्ट के थ्रू ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएं पहला एक्सेप्शन यहां पर क्या दिया गया है वो है एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि वैसे तो सबके साथ समान व्यवहार इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनको अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है किया जाना चाहिए इक्वल लेकिन वहां पर अनइक्वल ऐसे लोग कौन से हैं तो आर्टिकल 361 जो है यह कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इन दोनों को कुछ इम्यूनिटीज मिली होती है और उसकी वजह है कि ये दोनों लोग हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन है और गवर्नर हेड ऑफ कंट्री इनको क्या यहां पर वह इम्यूनिटीज दी गई है इनको इम्यूनिटी यहां पर जो है वह दी गई है तो वह इम्यूनिटीज यानी उन्मुक्तियां जो दी गई हैं वो क्या दी गई है? पहला इनको बोला गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर During their office, अपने कार्यकाल के दौरान इनके अगेंस्ट नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता है आपराधिक कार्रवाई होगी ही नहीं चाहे वह मामला मर्डर का हो और चाहे वह मामला चोरी का हो अगर ये अपने पद पर हैं, तो जब तक इनका कार्यकाल खत्म नहीं होता इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी हाँ अगर इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है इसके पीछे यह वजह मानी गई है कि हमारे यहां दुर्भावनापूर्ण तरीके से भी आरोप लगाए जाते हैं गलत आरोप लगाए भी जाते हैं अब ऐसी स्थिति में हम अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोटे छोटे मामलों में किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट की जो डिग्निटी है उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की वो डिग्रेट हो सकती है तो हमने यह कहा है कि नहीं उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले नहीं चलेंगे और मान लीजिए कि उन्होंने कोई अपराध किया तो क्या उनके ऊपर कुछ नहीं होगा हो सकता है वो डिपेंड करता है अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई गंभीर क्रिमिनल अगर उन्होंने काम किया है तो इनको हटाने की एक प्रक्रिया संविधान में निर्धारित है जिसे आप इम्पीचमेंट कहते हैं प्रेसिडेंट को हटाने की तरीका तो यहां पर पार्लियामेंट चाहे तो उनको इम्पीच करके हटा दे और गवर्नर को हटाना है तो प्रेसिडेंट उनको कभी भी हटा सकते हैं बहरहाल तो हमने कहा इनको इम्यूनिटी है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके कार्यकाल के दौरान नहीं चलेगा सिविल हाँ, प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट चल सकता है दीवानी मामले जमीन उमीन का मामला है वो चल सकता है लेकिन अगर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ तो दो महीने पहले का प्रायर नोटिस देना होगा दो महीने पहले एक नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ ये मामला चलने वाला दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट और यहां पर जो गवर्नर है ये अपने ड्यूटीज को यहां पर डिस्चार्ज करते समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यह किसी भी काम के लिए लाइबल नहीं या अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाए जा सकते इनको न्यायालय में कोर्ट में इनके फंक्शन के लिए अकाउंटेबल इनके ड्यूटी के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाया जा सकता रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता क्यों क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने मन से ना नहीं काम करते हैं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करते हैं इसलिए इनको कोर्ट में इनकी ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है और अंतिम बात यह है कि ये जब तक अपने ऑफिस में होते हैं इनके अगेंस्ट अरेस्टेशन का आदेश जारी नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय के द्वारा तो एक तो यहां पर आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर को यह यहां पर दिया गया दूसरा आर्टिकल 105 के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आर्टिकल 194 के तहत जो मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, यानी विधायक और सांसदों को प्रिविलेज दिए गए हैं विशेषाधिकार दिए गए हैं और यह विशेषाधिकार आगे हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है बस यहां पर यह प्रश्न आते हैं कि क्या समानता के अधिकार का अपवाद है तो ये सब अपवाद है तो इनको मिले हुए प्रिविलेजेस जिसको हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार तो संसदीय विशेषाधिकार भी विधि के समझ समानता का अपवाद होता है और तीसरा आर्टिकल नहीं ये वियना कन्वेंशन पर बेस्ड है जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हमारे यहां आते हैं उनको भी इम्यूनिटीज होती है तो विदेशी राजनयिकों की को उन्मुक्ति यहां पर दी गई है फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी क्या है हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी दी गई है और फॉरेन डिप्लोमेट्स को क्या इम्यूनिटी दी गई है हमारे यहां पर जो अदर कंट्री के फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपने अपनी जो एम्बेसी है उसमें रहते हैं और उस एम्बेसी को वहां इनक्रोच भारत सरकार नहीं कर सकती मतलब यहां पर अगर पाकिस्तानी एम्बेसी है दूतावास है वहां के रूल रेगुलेशन लॉ वह भारत सरकार डिसाइड नहीं करेगा वह पाकिस्तान डिसाइड करेगा और वहां के डिप्लोमेट्स अगर भारत में रहते हुए कोई फॉरेनर, कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स कोई क्राइम करता है तो उसके लिए सजा जो होगी वह उसके होमलैंड में दी जाएगी न कि वह इंडिया में दी जाएगी तो ये यहां पर इस तरीके की इम्यूनिटीज फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहां पर दी गई है क्लियर तो हमने आज आर्टिकल 14 को यहां पर देखा आर्टिकल 13 को देखा अब कल से हमारे जो टॉपिक हैं वो बड़े इजी हो जाएंगे क्योंकि ये सब चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली थी टेक्निकल चीजें थी उम्मीद है कि काफी कुछ समझ में आ गया होगा जो नहीं समझ में आया होगा वो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कल एक बार फिर से उसको हम क्या कर देंगे रिवाइज कर देंगे कल हम लोगों को पढ़ना क्या है और जो आपको तैयार होकर आना है आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 ये चार आर्टिकल कल के हमारे एजेंडा है इनमें हम लोगों को दो तीन बड़े डिबेट पढ़ने आप भी थोड़ा उस पर सोच कर आइएगा पहला सबसे बड़ा डिबेट है रिजर्वेशन का आप में से बहुत से लोगों का रिजर्वेशन के अलग अलग तरीके का अप्रोच होगा कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ होंगे कुछ लोग रिजर्वेशन के फेवर में होंगे हम लोग एक बार बात करेंगे कि आखिर रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्यों आया और रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट था क्या वाकई वह किसी तरीके से फ्रूटफुल रहा है क्या वाकई ये सही कंसेप्ट है या नहीं है क्या वाकई यह सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है या यह सोसाइटी को डिविजन सोसाइटी में बढ़ाता है हम लोग कल पढ़ेंगे जब अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिसेस के बारे में तो वहीं पर हम एक डिबेट देखेंगे कि आखिर क्या रीजन है कि आजकल वह शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट जो है वह वायलेंस के इंसिडेंट बढ़े हैं और जो यहाँ पर एस सी एक्ट है उसको लेकर भी क्या डिबेट चल रहा है ये डिबेट भी कल हम लोगों को देखने यानी कल हम लोगों का एजेंडा होगा आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 और इनके साथ रिजर्वेशन और एस सी एक्ट और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड एट्रोसिटीज़ ये कल का हम लोगों का एजेंडा रहेगा तो एक बार इन पर लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़िएगा कुछ YouTube पे वीडियो देखिए या इससे रिलेटेड जो है कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़िए अब हमने कहा जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डेप्थ में पढ़िए ऊपर ऊपर सुपरफिशियल मुझे भी पढ़ाना हो तो मेरे लिए तो बहुत आसान है इंडिकेट करता जाऊं और आसानी से आगे बढ़ता जाऊं लेकिन पर्पज है कि एक पेस आप लोगों की आ जाए और एक पेस के साथ साथ एक डेप्थ आप लोगों की आ जाए तब वहां पर जो है आपकी पढ़ाई का कोई मतलब निकल कर आएगा कल बात करते हैं इन तीनों आर्टिकल पर और इससे रिलेटेड डिबेट पर थैंक यू